नमस्कार, आप लोग गुजरात साथे हूँ छु समीर। सौथी पहला नजर करीशु टॉप 25 न्यूज पर। राज्य में हाल लॉकडाउन की शक्यता न होवाना खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए संकेत आप्या छे। कहूं छेल्ला 12 दिवस थी राज्य में केस स्टेबल, अनेक शहर में आंशिक लॉकडाउन जेवी छे स्थिति। कलोलना आसोड़िया गामनी मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए लीधी मुलाकात। गामडाओं ने कोरोना थी बीजी लहर माथी बाहर लावा पर मुक्यो भार। लक्षण जणाय तो तात्कालिक आइसोलेशन सेंटर में पहुंची जवा ग्रामजनों ने सीएम नी अपील। अमदावादना नवरंगपुरा स्टेडियम और गांधीनगर हेलीपेड ग्राउंड खाते ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। संक्रमण ना भय विना वाहन में बेसीने ज लई शकाय छे रसी। मोटी संख्या में रसी लेवा माटे पहुंचा लोग। हाल 45 वर्ष थी मोटी वयना लोको माटे ज ड्राइव थ्रू वैक्सीन। अमदावाद में साइंस सिटी खाते रसीकरण केन्द्र पर भीड़ थता सर्जाई अव्यवस्था। घातक लहर कारण मोटी संख्या में रसी लेवा पहुंची रहा है लोग। एक साथ मोटी संख्या में आवी पहुंचता डिस्टेंसिंग न जलवायु। आणंद में उमरेट पीएचसी सेंटर पर रसी लेवा माटे लागी लांबी लाइन, न जलवायु सोशल डिस्टन्स। रसी नो मर्यादित जत्थो होवानी चर्चाओना कारण मोटी संख्या में पहुंचा लोग। जेतपुरनी सरकारी हॉस्पिटल में रसी लेवा माटे पहुंचेला लोकोए तोड्या नियम। रसीकरण केन्द्र बहार महिला अने पुरुषोनी भीड़। कोरोना संक्रमण वधु फैलावानी आशंका, आवी रीते नहीं अटके संक्रमण। सूरत में वेसू खाते रसीकरण केन्द्र पर थयेला होवाड़ा मामले 5 लोकोनी उमरा पोलीसे करी धरपकड़। लागवक करीने रसी लेनारानो विरोध करता पोलीसे रसी लेवा आवेला वृद्धो पर कर्यो हतो लाठीचार्ज। लागवक करनारा पर कोई कार्यवाही नहीं। पावागढ़ मंदिर ट्रस्ट तरफ थी हालोलना ताजपुरा खाते कोविड सेंटर पर बनावेला ऑक्सिजन प्लांट 51 लाख रुपया की करी फाड़वणी। पहली लहर वखते पण मुख्यमंत्री राहत फंड में आप्या हता 51 लाख। बेसराजी ग्राम पंचायत द्वारा 24 कलाक फ्री एम्ब्युलेंस सेवा शुरू कराई। एम्ब्युलेंस में सेवा आपी रहा है कालरी गामना 2 युवानों। सिविल हॉस्पिटल सिवाय अन्य कोई एम्ब्युलेंस न होवाथी दर्दियों ने पड़ती थी हालाकी। बनासकांठा धानेरा में 8 महीना गर्भ धरावती महिलाएं कोरोना सामे मेळवी जीत। गर्भ में रहेलू बाळक पण स्वस्थ। 10 दिवस की सारवार बाद सगर्भा ने हॉस्पिटल में रजा अपाई। अमदावाद में रिकवरी रेट वधता 1200 बेड हॉस्पिटल बहार हवे नथी जोवा मळी रही एम्ब्युलेंस की लाइन। हॉस्पिटल पर पहुंचता ज दर्दी ने कराई छे दाखल। 18 ऑक्सिजन बेड, 146 नॉन ऑक्सिजन बेड खाली। आईसीयू बेड माटे हजू पण थोड़ू वेटिंग। रेमडेसिविर बाद अमदावाद में हवे ऑक्सिजन की काळाबजारी। 39 सिलिंडर साथ क्राइम ब्रांचे 3 आरोपी की करी धरपकड़। गैरकायदेसर करता था वेचाण। 30-30 हजार में वेचता था ऑक्सिजन सिलिंडर। सूरत में धीमे धीमे थाळे पड़ती जोवा मळी स्थिति। ऑक्सिजन की मांग में आंशिक घटाड़ो। 166 टन ना बदले हवे दैनिक 160 टन ऑक्सिजन की मांग। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग 3000 थी घटी 2300 थी। ऑक्सिजन की मांग में घटाड़ो। સાંતલપુરના મઢુંત્રા ગામે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીની સારવાર માટે ગયેલા આરોગ્યકર્મી અને સરપંચ સાથે ઝપાઝપી। સગર્ભા મહિલાને કોરોના થતા સારવાર માટે પહોંચી હતી આરોગ્ય વિભાગની ટીમ। મહિલાના સસરાએ ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યા। અબુધાબીના બીએપીએસ સંસ્થા તરફથી મોકલાયેલો ઓક્સિજનનો જથ્થો મોરબી પહોંચ્યો। 8 ટન ઓક્સિજનનો જથ્થો મોરબીને આપવામાં આવશે। અબુધાબીથી આવ્યું છે 20 ટનનું કન્ટેનર। सिविल हॉस्पिटल में सारवार लई रहेला 3 दर्दियों की तबीबी सलाह विना ज मिथिलिन ब्लू। आखी बॉटल पी जता त्रणे की तबियत लथड़ी। सिविल मैनेजमेंट तंत्र सामे उठ्या सवाल। पादरना चौकारी गामे 24 कलाक में 15 लोगों का मौत थता फैलायो फफड़ाट। गाम में 100 लोग कोरोना संक्रमित। उकाड़ा और होमियोपैथिक दवा योजायो कैम्प। जेतपुर में कोरोना दर्दियों नो जीव बचावा आगळ आव्या ब्लड कैंसर थी पीड़ित फारूक भाई मौत। 2 गाड़ी खरीदी शुरू करी निःशुल्क एम्ब्युलेंस सेवा। 50 थी वधु दर्दियों ने जूनागढ़ ने राजकोट पहुंचाड़ा। कोरोना दर्दियों झड़पथी स्वस्थ थाय ए माटे यात्राधाम अंबाजी में 7 दिवसीय महायज्ञ नो प्रारंभ। मंदिर ना प्रांगण में ज होम हवन ने मंत्रोच्चार।
સાતે સાત દિવસ થશે અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ। કોરોનાનો ખાતમો થાય અને જનકલ્યાણ થાય એ માટે હળવદના રતનપુરી કેદાર બાપુએ 16 દિવસ એક પગે ઊભા રહીને તપસ્યા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી। 16 દિવસ બાદ પગપાળા ચાલીને મોરબી અને ત્યાંથી પોતાના વતન બનાસકાંઠાના થરા જશે બાપુ। અમદાવાદના ઈસનપુરમાં સ્મશાનમાં અસ્થિ લેવા ગયેલા પરિવારજનો પાસેથી 500 રૂપિયાની લાંચ માંગી હોવાનો આરોપ। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો વિડીયો। સ્મશાનમાં લાકડા મૂકવા માટે પણ મંગાયા 800 રૂપિયા। એએમસી પગાર ન આપતી હોવાનો સ્મશાન ગૃહ સંચાલકનો દાવો। કોરોના દર્દીઓમાં મ્યુકોમાઇકોસિસના દર્દીઓમાં વધારો। અમદાવાદ સિવિલમાં 110 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ। રોજના 8 દર્દીઓના થાય છે ઓપરેશન। રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લામાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના 650થી વધુ કેસ હોવાની આશંકા। રાજકોટ સિવિલમાં 77 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ। મોરબીમાં જ 300 જેટલા કેસ। શિવાનંદ આશ્રમના અધ્યક્ષ સ્વામી આધ્યાત્મનંદનું કોરોનાથી નિધન। એસજીપીપી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી હતી સારવાર। સ્વામી આધ્યાત્મનંદના નિધનથી અનુયાયીઓ શોકાકુળ। તાલાડાના માધુપુર ગામે આધેડ પર સિંહનો હુમલો। બકરાનો શિકાર કરવા પહોંચેલા સિંહને ભગાડવા ગયેલા આધેડની બગીચામાં ઢસડી ગયો સિંહ। ગંભીર ઈજાના કારણે આધેડનું મોત। વન વિભાગે સિંહને પાંજરે પૂર્યો। તો હવે વાત કરીશું કમોસમી વરસાદની। રાજ્યમાં કમ